अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़फ़र इकबाल अस्पायरिंग स्टेट के प्लेटफॉर्म से हाज़िर खिदमत हूँ। तो नाज़रीन, आपके साथ मैंने चंद दिन पहले डिफरेंट वीडियोस आपके साथ शेयर की। ये वीडियोस मेरा जो लास्ट विज़िट हुआ था सिग्नेचर रिजॉर्ट का और हल्दी कंट्री क्लब का, उस विज़िट की वीडियोस थी आपके साथ मैंने शेयर की थी। और आज उसी सिलसिले की जो चौथी वीडियो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ, ये वहाँ पर जो हल्दी कंट्री क्लब के जो साइट इंचार्ज हैं आरफ अजीज़ साहब, उनके साथ मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वो आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आइए आप उसको देखिए, उसके बाद फिर हम इस पर बात करते हैं। अच्छा नाज़िर, इस वक्त मैं हल्दी कंट्री क्लब के जो साइट हेड हैं आरफ अजीज साहब, उनके साथ मौजूद हूँ। मैं चाहूँगा कि ये मुझे इस प्रोजेक्ट की जो प्रॉपर ब्रीफिंग है वो ज़्यादा दे दें। आरफ भाई, आप तकलीफ दूंगा, आप एक प्रॉपर इस प्रोजेक्ट की एक ब्रीफिंग दे दें ताकि मेरे नाज़रीन को पता चल सके ये कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। बहुत शुक्रिया जफर भाई, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद, आप जितने भी देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से बहुत सारा सलाम आदाब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक आपका सवाल है प्रोजेक्ट के लिहाज से, तो मैं बार हम ये जिक्र भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है इसमें बहुत बड़ा वास्ट आपके पास वॉल्यूम मौजूद है काम करने को है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने कोशिश ये की है, ज़ाहिर सी कोशिश ये है कि हमारे पाकिस्तान से जितना भी टूरिज्म का पैसा या हमारे लोग या हमारा ज़र मुबादला या सरमाया बाहर जाता है, मालदीव, श्रीलंका, आप दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, तो अल्लाह ने ना उससे कहीं ज्यादा आपके इस मुल्क को नवाला है। बहुत ज्यादा पोटेंशियल है आपके एरिया में, सिर्फ जरूरत समर किया कि इसको एहसास के साथ डेवलप किया जाए। बस हमने कोशिश ये की है हमारे ग्रुप ने कि हल्दी कंट्री क्लब के नाम से जो एक रिजॉर्ट डेवलप कर रहे हैं, तो हम मुल्क की उस टूरिज्म इंडस्ट्री की बेहतरी में अपना किरदार अदा करना चाह रहे हैं। अरे भाई, यहाँ पे जो जो फैसिलिटीज है या अमेनिटीज, इसी तरह से जो आप दे रहे 30+ उनमें से अगर चीधा चीधा अगर कुछ साथ बता सकते। देखिए, उसके लिए टाइम चाहिए, लेकिन मैं आपको जनरली बता देता हूँ। आप इस वक्त हमारा जो हेल्थ क्लब है, हमारी इंडोर गेम्स हैं, हमारे जिप लाइन है, बहुत सारी हॉर्स राइडिंग है, हमारा जो ट्रेल है ना, जिस जगह पे आप बैठे हैं यहाँ से बिल्कुल फ्रंट व्यू पे आप अगर अभी गूगल करें तो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट इसके साथ अटैच है। वो उसकी मार्जिन की मैं बात करूं तो आप 2-2.5 दिन में वो ट्रेल, सिर्फ जो हाइकिंग ट्रेल है ना, उसको कवर नहीं कर पाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि माल रोड पे गए आपने, लाहौर की इशरा रोड जिसे मैं बोलता हूँ, वहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर का फर्क है, बाकी वही जैसा लक्ष्मी चौक में क्राउड होता है, आप फैमिली के साथ बैठ नहीं सकते। रिजॉर्ट का मकसद एक ऐसी आइसोलेटेड प्लेस जहाँ पे आप मामूल की जिंदगी से हट कर जाकर सुबह शाम दोपहर को एंजॉय कर सकें। तो यहाँ जिस वक्त आप बैठे हैं, इस वक्त कंस्ट्रक्शन साइट पर बैठे हैं, लेकिन आप इस कंस्ट्रक्शन साइट के दौरान भी अगर 1-2 मिनट की खामोशी अख्तियार करें तो आपको चिड़ियों की चहचहाट इन फिजाओं में महसूस होगी, इन हवाओं में आपको फ्रेशनेस महसूस होगी, आपको जो है ना हवाओं की सरसराहट, सारी चीजें आपको यहाँ मिलती हैं। और ये टोटल आप पाकिस्तान के दारुल खिलाफा से 45 किलोमीटर अवे बैठे, और आप ये हिसाब लगाएं कि अगर ये टूरिज्म हाईवे की कम्प्लीशन हो जाती है तो आफ्टर द कम्प्लीशन आप अप्रोक्सीमेटली 50 मिनट, बहुत लेजी ड्राइविंग भी करें तो इस एंड से आप 50 मिनट में हमारे रिजॉर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर 50 मिनट के बाद आपको नारां, कागां, सिरी पाई जैसा टेम्परेचर, फिर आपको ऑफ रोडिंग प्लस आपको 2.5 फुट स्नोफॉल भी इंजॉय करने को मिल जाए और ये टेम्परेचर मिल जाए, तो आप तो अपना वीकेंड बिल्कुल 1-1.5 दिन में एंजॉय कर सकते। जबकि अगर यही चीज अगर आपने करनी है जिन इलाकों का मैंने जिक्र किया, तो उनमें आपको जाने के लिए 4-5 दिन एक वसाइल और टाइम और बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए। हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान के दारुल खिलाफा के करीब इतनी बेहतरीन जगह है, तो हम इसको डेवलप करें, आप बहुत अच्छे से यहाँ आके अपने टाइम को एंजॉय कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, बड़ा पीसफुल। अच्छा आरिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्या एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पे रिजॉर्ट आपका फंक्शनल कितने टाइम के अंदर हो सकता है? यानी मैं अगर एक डेडलाइन देखूँ कि 1 साल के अंदर, 2 साल में, 3 साल में यहाँ पे एक्टिविटीज कब से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी, ताकि मेरे नाज़रीन अगर कोई इंटरेस्टेड है लेने के वाले से उन्हें पता होगा कि ये इतने टाइम तक ये फंक्शनल हो जाएगा। जी जफर भाई, जहाँ तक आपके क्वेश्चन का तल्लुक है, तो मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त की जितनी भी प्रोग्रेस जिस पे आपने अभी ये मेरे ख्याल में पूरा ओवरव्यू दे चुके हैं, जितने भी नाज़रीन ने आपके फुटेजेस में चीजें देखी हैं, ये टोटल 14 मंथ की प्रोग्रेस है। ठीक है, इस ऑफ रोडिंग ट्रैक पे हमने ये सारी चीज़ें डेवलप की हैं, और इंशाल्लाह ताला हमारी जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट से बिफोर हम कोशिश करेंगे और भरपूर इसको इंशाल्लाह ताला बिफोर टाइम डिलीवर करेंगे। और जिस फेज में मैं बैठ के आपसे ये बात कर रहा हूँ, और मैंने ये कोशिश पूरी टीम के साथ की हुई है कि हमारा ग्रुप इंशाल्लाह ताला आपको ये जो स्नोफॉल है, ये पूल फेस कॉटेजेस का जो है ना, वो इंशाल्लाह ताला उसमें आप इंजॉय करेंगे हमारे साथ। अगर आरफ भाई मैं ईयर में देखना चाहूँ, 2025 या 2026 तक ये फंक्शन हो जाएगा? असल में फेज वाइज है ना, तो जो हमारा फर्स्ट फेज है वो जो कमेंटमेंट है हमारी 2.5 की, इंशाल्लाह ताला। देखें, हम स्विट्जरलैंड में नहीं रह रहे, हम उसी मुल्क में रह रहे हैं जो बुरानों में से गुजर रहा है। हमारे पास कोई ब्लैक मनी नहीं है, हम इसी मुल्क में हैं, और इसी मुल्क के मैं आपको बताऊं जहाँ से इस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं जिन लम्हात में, तो आज की जो प्रसेप्शन है यहाँ की, जो रेंट प्रसेप्शन है वो 80% है।
उसके बावजूद आप मेरी साइट पे देखा कितनी एक्टिवनेस है, हर फील्ड में काम इस वक्त बड़े जोरों शोर से जारी है। फिर ऊपर से मुल्की हालात को देख लें आप, उसके मुवाजने के लिहाज से भी देखा जाए। और एक चीज के अंदर तो मैं थोड़ा सा ये अपनी शेयर करना चाहूंगा, मेरा लास्ट विजिट हुआ था दिसंबर में, और उस वक्त इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, लेकिन उस वक्त भी थी, उस वक्त आई थिंक 5-6 महीने हुए थे आपको ये स्टार्ट लिए हुए, और उसके बाद अभी 8 महीने बाद दोबारा आ रहा हूँ, लेकिन जितना काम अभी देख रहा हूँ वो माशाल्लाह यानी बहुत आउटस्टैंडिंग है। यही सवाल फिर आपसे आपसे हो जाएगा कि आप जो मुझसे करें कि इस टाइम लाइन में हम क्या बेसिकली मैं ये जानना इसलिए चाह रहा हूँ, जो हमारे बहुत क्लाइंट्स ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि ये कब तक डिलीवर हो जाएगा, कब तक हम रहने के कबल उसमें। इसी बात है, तो बिफोर 6 मंथ आपने विजिट किया, आफ्टर 6 मंथ आपने अगेन विजिट किया, तो जो हम इस रिदम से चल रहे हैं आप कितना सैटिस्फाइड हैं, आपकी सैटिस्फेक्शन ही आपके क्लाइंट की सैटिस्फेक्शन। नहीं उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत मुतमईन हो चुका, जब लास्ट मैंने देखा था उससे ज्यादा तेजी से, उसका ये पुल भी नहीं था, पुल के जस्ट थोड़ा सा वो काम हुआ था और अब पुल फंक्शनल है। यहाँ पे मैं कुछ इवेंट्स वगैरह भी देख चुका हूँ आप होते रहे, और बाकी भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह बहुत तेजी से है। जी एग्जैक्टली सर। तो अरे भाई आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अभी आपसे मैं इजाजत दूंगा, थैंक यू। तो नाज़रीन आपने आरिफ साहब का इंटरव्यू देखा, और ये पूरा एक सिलसिला आपने जो देखा मेरा इस मंथ के शुरू के अंदर जो मैंने विजिट किया था हल्डी कंट्री क्लब सिग्नेचर रिजॉर्ट का, वो सारी की सारी मैंने एक्चुअल पोजीशन वहाँ पे जो है वो सारी आपके सामने शेयर की, आपने देखा भी। और इसके वाले से आप अगर कोई और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं इनके ऊपर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो नाज़रीन आप सब दोस्तों का देखने सुनने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।